YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्या मार्केट का व्यू हो सकता है अगले दिन के लिए, अगले दिन आप किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, निफ्टी जो कैंडल बनाया है डेली चार्ट पर, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यह देखिए एक स्मॉल कैंडल बनाया है, ऊपर से भी रिजेक्शन मिला है, नीचे से भी रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट पर इस तरह का कैंडल बनना, हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ पर गिरावट ना दिखाए। जब इस तरह का कैंडल बनता है, विक्स काफी बड़ा बड़ा हो, तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इंड हो सकता है। यहाँ पर कोई भी चर्चा करेंगे हम, पॉसिबिलिटी की चर्चा करेंगे, क्या सिनेरियो होगा उसके अनुसार हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। लाइव मार्केट में हम चार्ट भी शेयर करते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम लाइव मार्केट में चार्ट को शेयर करते हैं, जिसके अनुसार आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ। आप एंजल जीरोधा के साथ ओपन करते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक गैप डाउन आज ओपन हुआ निफ्टी, तो हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करे या इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। 16,825 का लेवल इसको ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से हम काफी ज्यादा बेरिश हो जाएंगे। अगर वहीं हम 15 मिनट के चार्ट पर बात करें, तो यहाँ देखिए काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी जो है यहाँ बिल्कुल भी रिकवर करने की कोशिश नहीं किया। इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था, निफ्टी वीक था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया भी था कि निफ्टी जो है ज्यादा वीक है। अगर बात करें आज के ट्रेड का, आज पूरी तरह से ऑप्शन सेलर का डे था। यहाँ पर कोई भी फास्ट मोमेंटम नहीं हुआ जिससे आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, स्ट्रेडल के रूप में, स्ट्रेंगल के रूप में सेल करते हैं, काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता। देखिए यहाँ पर आप जो है इसके ऊपर के कॉल को सेल कर देते हैं और यहाँ पर नीचे जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे के पुट को सेल कर देते हैं और दोनों साइड आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता, क्योंकि मार्केट जो आज पूरी तरह से एक रेंज बाउंड था। इस तरह से मार्केट देखिए इस तरह से कुछ मोमेंटम किया तो पूरी तरह से देखिए मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। कल हम प्लान करेंगे कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत यहाँ बुलिश हो सकता है, कुछ खास ज्यादा बुलिशनेस हमें मार्केट में भी देखने नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे जो लेवल है 16,885 का, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड हमें देखने मिल सकता है। तो इस लेवल को, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है, तो कंप्लीट रूप से निफ्टी हमारा बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल को निकलता है जो कि है 17,050 का, तो हम यहाँ थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है जो निफ्टी को इस गैप को फिल करने के लिए ले जा सकता है। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये 17,150 तक का, तो 100 पॉइंट का यहाँ पर रेंज बनता है जिसको निफ्टी यहाँ पर फिल कर सकता है। देखिए बेहतर ट्रेड हमें कब मिलेगा, जब यहाँ पर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बनाए, ऊपर ब्रेक करे तो ये 100 पॉइंट का रेंज हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, नीचे ब्रेक करे, तो यहाँ से फिर निफ्टी अपने सपोर्ट रीजन ये जो है 16,885 तक का यहाँ तक मूवमेंटम कर सकता है। तो फ्लैट ओपन हो तो हमें दोनों साइड का मूवमेंटम जो है एक फास्ट मूवमेंटम मिल सकता है। तो किस तरह से ओपन होता है ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गैप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो आप रिवर्सल को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ पर प्राइस एक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आज का प्राइस एक्शन था, एक बार यहाँ पर ये लगा कि ये अपने लो को ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैप कर दिया। यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया, सारे सेल करने वाले यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी रेंज ब्रेक होता है तो उसके नीचे लगातार सस्टेन हो, तब जाकर के हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लो को ब्रेक किया, डे के लो को, यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड करता, फिर उस रेंज को नीचे और ब्रेक करता, तो ज़्यादा बेटर ट्रेड हमें यहाँ पर मिलता। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी इससे सेल किया निफ्टी को, पूरी तरह से वो यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रेड को हम अवॉइड कैसे कर सकते थे, देखिए इस ट्रेड को हम अवॉइड तब करते जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते, क्योंकि बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी का अकेले कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में, मतलब जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, उसका कंट्रीब्यूशन 20% से ज़्यादा है। यहाँ आप देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, अपने डे के लो से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो बैंक निफ्टी अपने डे के लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, जबकि निफ्टी अपने डे के लो को ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन जो है थोड़ा अपोजिट था, तो इसलिए ट्रेड हमें अवॉइड करनी चाहिए।
तो जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में चल रहा हो तो निश्चित रूप से हमें बेटर ट्रेड मिलता है, काफी बेहतरीन ट्रेड मिलता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो हमें अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर रहता है। अब देखिए हम बैंक निफ्टी को तब डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया और ये ग्रीन कैंडल भी ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ है और नीचे से भी रिजेक्शन दिखाया है, मतलब ये भी किसी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये बुलिश कैंडल है, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल, लेकिन ये भी कोई बैंक निफ्टी के ऊपर साइड के मूवमेंटअप को, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर मूवमेंटअप करेगा उसको इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि हम गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बुलिशनेस दिखाए हैं, लेकिन ऊपर से अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलता लास्ट आवर में तो निश्चित रूप से ये एक बुलिश कैंडल होता है। यहाँ से हम सोच सकते थे कि बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उससे भी इंडिकेशन मिलता है कि अभी हमें कुछ खास यहाँ पर बुलिशनेस देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत हम यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए या थोड़ा बहुत ऊपर हमें मोमेंटम देखने मिले, लेकिन अगर हम सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं 35,000 को तो निश्चित रूप से बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा। आज देखिए यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने मिला जब 35,500 पर बैंक निफ्टी आया, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की ओर मोमेंटम किया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि 35,500 को ब्रेक करें, फिर 35,000 लेवल को ब्रेक तो हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। वहीं बुलिश कब होंगे, जब बैंक निफ्टी हमारा 37,000 के ऊपर चला जाए, 37,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा, या यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस पैटर्न बनाए, थोड़ा सा यहाँ साइडवेज मोमेंटम करता है, एक रेंज बनाता है, उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर बुलिश होंगे। तो प्राइस एक्शन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं दिख रहा है। अब हम बैंक निफ्टी को जो है 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में कंप्लीट रूप से दिख रहा है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, जो कि है 36,280 का लेवल ब्रेक करता है, निश्चित रूप से हमें ऊपर एक मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर के एक यहाँ पर रेंज बनाता है, उस रेंज को नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो फिर हमें डाउन बार एक फास्ट मोमेंटम या डाउन बार मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी का जो डाउन बार मोमेंटम होगा वो बैंक निफ्टी को यहाँ तक लेकर आ सकता है, जो 36,000 है या 35,900 के लेवल तक डाउन बार बैंक निफ्टी को लेके आ जा सकता है। फिर यहीं पर जो इसका 35,500 को ब्रेक करता है तो फिर हम पूरी तरह से बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाएंगे, जो कि लेवल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हम गैप डाउन होते हैं तभी हम इस लेवल को ब्रेक करता हुआ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी में जिस पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखिए आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ कंप्लीट रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, और इस बाइंग प्रेशर कारण बैंक निफ्टी देखिए अपने डे के हाईएस्ट लेवल पाया और यहाँ पर ट्रेड किया। अब देखिए प्राइस पैटर्न जो यहाँ पर कुछ बना है कुछ इस तरह से बना है। तो जब तक हम किसी एक लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद, जब तक देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद किसी एक तरफ के रेंज को ब्रेक नहीं करता, हमें कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर आप सी को सेल कर सकते थे, ऊपर के सी को, और यहाँ नीचे के पी को सेल कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलता, जो भी प्रीमियम आज डीके होता सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलता। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर डायरेक्शनल मोमेंटम होगा तो हम डायरेक्शनल ऑप्शन को सेल करेंगे, अगर रेंज बाउंडेड रहेगा मार्केट तो हम पीसी दोनों को सेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से स्टॉक्स में आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए बाइंग और सेलिंग दोनों स्टॉक्स आपको बताएंगे। अगर प्रॉपर लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आपको सेल करना है उस स्टॉक्स को विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर बाइंग वाले स्टॉक्स है वो प्रॉपर रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको उसको बाय करना है। तो पहला देखिए जैसे टाइटन है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 2440 रुपये, इसके नीचे जाता है तो आप इसको सेल करेंगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपको 1:1 का स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो रखना है, या 1:2 का वो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाएंगे उसके अनुसार इसको सेल करना है। ये इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर सेल करेंगे तब आपको आसानी से यहाँ जो है 2400 का लेवल और 2390 रुपये का लेवल आसानी से दिखा सकता है। हो सकता है स्टॉक ज़्यादा भी गिरावट दिखाए जब मार्केट में भी गिरावट हो रहा हो, क्योंकि मार्केट के साथ जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी हायर प्राइस लेवल का स्टॉक्स है। ये जब 6510 रुपये को ब्रेक करता है, 6510 के लेवल को ब्रेक करता है, आप इसको सेल करते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस।
और यहाँ पर अच्छा खासा ये गिरावट आपको दिखा सकता है। तो इसमें अच्छा खासा टारगेट आपको मिलेगा अगर ये प्रॉपर रूप से लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें भी आपको 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो या 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। फिर देखिए बाइंग वाले स्टॉक्स की बात करें तो आप जो है अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है, मार्केट पॉजिटिव बिहेव करता है तो जो स्टॉक्स है इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हमें देखने मिल सकता है। तो अगर ये 1605 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप इस जो स्कॉट्स है इसको बाय करेंगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और यहाँ पर 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन बुलिश कैंडल बना है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। अगर ये 745 रुपये को क्रॉस करता है तो आप इसको बाय करेंगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। पहला टारगेट आपको रखना है 750 रुपये का, फिर दूसरा टारगेट रखना है 757 रुपये का। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। ये दो स्टॉक्स बाइंग वाले और दो सेलिंग वाले स्टॉक्स हैं जिसमें आप मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर लेवल्स ब्रेक होता है या ब्रेक डाउन होता है तो। अब देखिए पिछले दिन हमने डॉक्टर रेड्डी दिया था, अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम दिखाया तो आप इस स्टॉक को भी फिर से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी 50 मिनट का कैंडल लगाना है, कहीं पे भी आपको सिग्नल मिलता है सेल करने का तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे डॉक्टर रेड्डी का 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये बुलिश कैंडल बना था लेकिन यहाँ पर लगातार रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ये एक साइडवेज रेंज बनाता है, उस रेंज को जैसे ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी बेयरिश है तो आप इसमें बेयरिश ट्रेड मतलब इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं जब ये कोई भी रेंज बनाता है उसको नीचे की ओर ब्रेक करता है। तो ये सारे स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं कल। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।